ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो मूवी है एक यंग डॉक्टर के ऊपर और एक ब्यूटीफुल पेशेंट के ऊपर। और ये दो इन दोनों के आगे जो भी बातें होती हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी के अंदर जो भी सीन्स हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा वादा है कि ये मूवी आप लोगों को बोर एंड तक बिल्कुल नहीं होने देगी। मूवी के एंड तक बने रहना। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक यंग डॉक्टर को देखते हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए थे एक हॉस्पिटल में, जिनका नाम था मार्टिन। वो वहाँ के एक हेड डीन होती हैं जो उनसे मिलते हैं और वो उन पर बहुत ही गुस्सा करती थी और वो उससे जो डॉक्टर थे यानी कि हमारे डॉक्टर मार्टिन, वो उससे बहुत नाराज़ थे। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम डॉक्टर मार्टिन को एक डायना नाम के एक लड़की के साथ देखते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वो एक उनकी पेशेंट थी। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि डायना के पेट में यानी कि किडनी में स्टोन्स थे, उनमें कुछ इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम थी डायना को अपनी किडनीज़ में। तो हम देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर मार्टिन होते हैं वो उनका ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर को जो पेशेंट होती है उनकी यानी कि डायना, वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी लगने लगती है। वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी बातों से और उनके बोलचाल के तरीकों से, उनके नेचर से डॉक्टर मार्टिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो उनको पसंद भी करने लगते हैं। डॉक्टर मार्टिन डायना से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेड डीन आ जाती हैं और वो डॉक्टर पर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों पेशेंट से इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो। डॉक्टर फिर अपने काम में लग जाते हैं और वो फिर अपने रूम में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि डायना एक बिल्कुल ठीक हो चुकी है और जो डायना के फादर थे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर मार्टिन से मिलने आए थे और वो उनको अपने घर पर डिनर पे इनवाइट करते हैं। डॉक्टर मार्टिन डिनर पर जाते हैं डायना के घर पे और वो उनकी सारी फैमिली पे मिलते हैं, पर वो देखते हैं कि डायना यहाँ पर थी नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई थी अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डायना की सिस्टर थी वो लुक्स दे रही थी डॉक्टर मार्टिन को, यानी कि वो मार्टिन को पसंद कर रही थी, और जो डायना का जो ब्रदर था वो उसकी दूसरी सिस्टर को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, जिसके कारण डायना के सिस्टर की ड्रेस पे वेजिटेबल्स और या फिर कुछ सब्जियां गिर गई थी और वो वॉशरूम में गई थी। जैसे वो वॉशरूम में ड्रेस चेंज कर रही होती, डॉक्टर मार्टिन उसका लॉक खोल देते हैं जिसके कारण वो वहाँ पर देख नहीं पाते हैं कि वहाँ पर कौन था। तभी जो डॉक्टर मार्टिन होता है वो डायना के रूम में जाते हैं और वहाँ से उसके एक फ़ोटो को अपने पास ले आते हैं। अगला दिन होता है और डॉक्टर मार्टिन पर डायना की सिस्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरे फादर आपको कुछ गिफ्ट देना भूल गए थे और क्योंकि आप वहाँ से जल्दी चले गए थे तो वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं, या तो आप मेरे घर पर आ जाओ या फिर मैं आज आपके घर पर आती हूँ। तो अगले दिन डॉक्टर मार्टिन डायना के घर पर जाते हैं और उसकी जो मेडिसिंस थी जो उन्होंने खुद लिखी थी उनमें कुछ हेर फेर कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी डायना थी वो फिर से दोबारा से उसी बीमारी की कंडीशन में आ जाती हैं और फिर से बेड पर ही आ जाती हैं। डॉक्टर मार्टिन उनका फिर से ऑपरेशन करते हैं और उनको अच्छी तरह से फिर से ट्रीट करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि जो डायना है वो उनसे दूर हो, वो डायना से और भी ज़्यादा बातें करना चाहते थे क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट थे। वो उनकी दवाइयों में हेर फेर करते हैं, मिलावट करते हैं। तब फिर डॉक्टर की एक मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि जो पेशेंट डायना है वो इतने दिनों से बेड पर है, उसके घर वालों का इतना बिल आ रहा है, वो इतने दिनों से क्यों नहीं हो रही हैं। तब डॉक्टर मार्टिन उसकी किसी बात पर जवाब नहीं देते। यहाँ से सीन चेंज हो रहा था, हम डायना के जो बॉयफ्रेंड होता है उसको देखते हैं। वो डायना के लिए हॉस्पिटल में आया था एक गिफ्ट लेकर, जो कि था एक बलून, पर जिसको डॉक्टर मार्टिन उसके बॉयफ्रेंड से ले लेते हैं और उसके जाते ही उस बलून को फोड़ कर डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हॉस्पिटल ने डायना के ऑपरेशन के लिए एक हेड डॉक्टर को अपॉइंट करा था और वो देख रहे थे कि डॉक्टर जो मार्टिन है वो हर कुछ 2 घंटों में डायना की हालत को चेक करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायना का बार बार ऑपरेशन सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ये ऐसा होने की वजह से उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जो डायना थी वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मर जाती है, अपनी आखिरी सांस लेती है वो डॉक्टर के ही पास। और यहाँ पर वो डॉक्टर को ये भी बता देती है कि उसके मन में फीलिंग्स क्या थी। आखिरी सीन हम देखते हैं कि डॉक्टर सोए पड़े थे, तभी एक नर्स डॉक्टर मार्टिन के पास आती है और वो उन्हें बताती है कि डायना मरने ही वाली है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर मार्टिन उसके पास जाते हैं और उन्हें ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तब यहाँ पर हम एक वार्ड बॉय को देखते हैं जो डॉक्टर मार्टिन को डायना की एक डायरी दिखाता और कहता है कि ये इसकी एक डायरी थी, पर इसके बदले जो वो वार्ड बॉय था वो कहता था कि इसके बदले आप मुझे ड्रग्स दोगे। जो हमारे डॉक्टर मार्टिन होते हैं वो रेगुलरली उसे ड्रग्स प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में जो वो वार्ड बॉय था वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान आकर डॉक्टर मार्टिन अपने घर पर ही एक कहता हूँ फेक ड्रग्स बना दी थी उन्होंने, और जो जहरीली थी, किसी आदमी की जान ले सकती थी वो ड्रग्स।
इस ड्रग्स को लेने के बाद वो वार्ड बॉय ड्रग्स को लेता है और वो मरने की हालत में हो जाता है। पर जैसे वहाँ पर कोई आ जाता है तो डॉक्टर उसकी केयर करने का वहाँ पर शो करता है, पर वो वार्ड बॉय मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसके एक रूम में से चाबी निकाल कर उस डायरी को निकाल लेता है। पर अगले ही दिन उस वार्ड बॉय की इन्वेस्टिगेशन केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर आता है और वो डॉक्टर मार्टिन के घर पर जाता है और उनसे ये पूछता है कि आपके उस वार्ड बॉय से क्या रिलेशंस थे, या अगर आपके कोई रिलेशन हो तो आप प्लीज़ मुझको बताइए। तभी दोस्तों डॉक्टर मार्टिन को डायना की डायरी वहाँ पर दिखती है जो उन्होंने उसी वार्ड बॉय से ली थी। वो उसके सारे पेजेस को फाड़कर अपने टॉयलेट में फ्लश करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर फ्लश जो है वो रुक जाता है और वहाँ से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, जिसके कारण डॉक्टर को डर लगने लगता है और वो वहाँ से सारे पेजेस को निकालकर डस्टबिन में डालकर वहाँ से रेडी होकर बाथरूम से निकलता है और वो उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि सर मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है, मुझे जाना है, तो प्लीज़ आप किसी और दिन का टाइम निर्धारित कर लीजिए मेरे से मीटिंग करने का। यहीं पर दोस्तों हमारी मूवी का जो है लास्ट सीन आता है और हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर मार्टिन है वो अपनी लाइफ के नॉर्मल साइड पर आ चुके हैं और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहे थे पहले की तरह। दोस्तों यहीं पर हमारी मूवी जो है वो एंड होती है। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों।